गाइस चोपता में हम यहाँ पे रुके थे, रात में लेट पहुँचने की वजह से हम लोग वीडियो वगैरह नहीं निकाला। ये देखिए कितनी असम प्लेस है। अभी हम तुंगनाथ ट्रैक के लिए तैयार होके निकले हैं और ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। गाइज हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया है चोपता से तुंगनाथ एंड देन तुंगनाथ से चंद्रशिला। मेरी पूरी बॉडी अकड़ी हुई है, बॉडी में जरा भी जान नहीं है, इसलिए मैंने घोड़ा किया है। और मैं घोड़े पे आ जाऊँ। गाइज व्यू देखिए पीछे, लिटरली चोपता को स्विट्जरलैंड बोला जाता है, बट एक्चुअल में चोपता स्विट्जरलैंड ही है। तुंगनाथ तक घोड़े पे, देन उसके बाद 1 किलोमीटर टू चंद्रशिला भाई, वो पैरों से ही जाना है। ठीक है, देखते हैं होगा कि नहीं होगा। ये बहुत रिस्की है यार, एकदम कोने कोने से चल रहा है, मुझे लगा है फुल डर। आगे चढ़ाई काफी स्टी। तुंगनाथ एंड चंद्रशिला ट्रैक, ये हमारे टूर का लास्ट डेस्टिनेशन है। बट गाइस व्यूज देखिए यार, ऑसम। गाइज रियली सल्यूट करती हूँ वो लोगों को जो ये ट्रैक करते हैं, बिकॉज एकदम स्टीफ है, एकदम स्टीफ, एकदम सीधी सीधी चढ़ाई है। और यार अभी तो 1 किलोमीटर ही हुआ है, काफी लोगों की हालत टाइट हो गई है।
चाल काली, इसका भी नाम काली है, काली भी है। बोले ये हमारे रॉक स्टार है। वॉकिंग आए, वॉकिंग फेस नहीं दिख रहा, इधर आओ। वॉकिंग वॉकिंग है, वाओ ऑसम। और एक मैं हूँ राइट नाउ। आंटी जी नींबू दो, भाई जी नींबू, यार नींबू नींबू और कुछ। गाइस जस्ट अभी हमने हाफ जर्नी जो है तुंगनाथ की वो कंप्लीट की है और यहाँ से व्यूज देखिए एकदम गजब है, एकदम गजब। एक्चुअली ये व्यूज थोड़े टाइम के बाद नहीं मिलेगा इसलिए मैं अभी कैप्चर कर रही हूँ, बिकॉज थोड़े टाइम बाद क्लाउड्स आ जाएंगे, क्लाउड्स आने के बाद फिर कुछ फायदा नहीं, कुछ दिखेगा नहीं। बहुत ज़्यादा ठंडी है और रास्ता बहुत ज़्यादा स्टिफ है, इतनी खड़ी चढ़ाई है ना कि लाइक घोड़ा भी थक रहा है। तो मैं तो भैया पूछो मत, बट पीछे जो व्यू है इट वॉज अमेजिंग। कैसे भी करके जल्दी जल्दी पहुंचेंगे तो अच्छे अच्छे व्यू मिलेंगे, बस यही प्लानिंग है। पहुँचने वाले हैं तुंगनाथ टेम्पल। अभी ऐसे तो तुंगनाथ जी की टोली हमें नीचे मिली थी तो हमने नीचे ही दर्शन कर लिए, क्योंकि इस बार तुंगनाथ जी के कपाट जल्दी बंद हो गए। तो वहाँ से फिर चंद्रशिला का ट्रैक है जो कि 1 किलोमीटर का है और वो इससे भी ज़्यादा स्टीप है। और गाइस अगर आप तुंगनाथ आने के लिए अगर घोड़ा लेना चाहते हैं तो घोड़ा आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, बट अगर आपने स्टार्टिंग में घोड़ा नहीं लिया तो बाद में आपको घोड़ा नहीं मिलेगा। तो जो घोड़ा है मुझे 700 रुपीज़ में पड़ा है, क्योंकि वो 800 बोल रहे थे, थोड़ा बार्गेन किया तो देन 700 रुपीज़ में मिल गया। और यहाँ पे घास और छोटी छोटी घासों पर से बर्फ़ जमी हुई है, बहुत ही प्यारी है। और ये हमारे एक और ग्रुप के मेंबर पहुँच गए। यार आप तो काफ़ी फास्ट आए। What's your opinion? बोलो बाबा तुम ना कीजे। जे। मैं खाना वाना नहीं खा के आया क्या? Energy down.
मंदिर है, पैर पड़ लिया मैंने। और ये अपना भूतकाल जी का मंदिर है। और अभी हम चंद्रशिला के लिए ट्रैक चालू कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। एंड गाइज, जो तुंगनाथ जी का मंदिर है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट शिवा टेम्पल है, हाँ, जो सबसे ऊपर है। तो चलते हैं, हम चंद्रशिला दिखाती हूँ आपको। भूतनाथ जी का टेम्पल था वो, और ये अपने तुंगनाथ जी का टेम्पल। ये भैरव नाथ जी का मंदिर है, जय भैरव नाथ जी के। अभी कपाट बंद हो गए, पार्वती जी का मंदिर है। अरे मम्मी तो तीन है। तुंगनाथ जी का मंदिर कपाट बंद है, और हमें तो पालकी नीचे ही मिल गई थी, तो हमने नीचे ही दर्शन कर लिए। पंच केदार है, ये उनमें से थर्ड है। फर्स्ट है केदारनाथ, सेकंड है मधमेश्वर, तीसरा तुंगनाथ, चौथा रुद्रनाथ और पांचवा कल्पेश्वर। तो यहाँ पे बोलते हैं जब पांडव स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो शिव जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन शिव जी को उन्हें अपने दर्शन देने नहीं, क्योंकि वो पांडव पापी थे। तो गुप्त काशी, एक जगह गुप्त काशी में शिव जी गुप्त हो गए थे, छुप गए उनसे। तो उनको जहाँ जहाँ उनके बॉडी पार्ट्स के दर्शन हुए ना, वहाँ वहाँ ये पांच केदार हैं। जैसे केदारनाथ जी में हमका हुआ था, क्योंकि वो नंदी के रूप में भाग रहे थे नीचे, तो वहाँ पे हम की पूजा होती है। अगर आप लोग अंदर शिवलिंग देखें तो आर्कियोलॉजिस्टली वो ऐसा है हम के रूप में। फिर यहाँ मधमेश्वर में होता है चेस्ट की, चेस्ट एरिया की पूजा होती है। तुंगनाथ में होती है हाथ और लिम्स, तुंग। रुद्रनाथ में होती है फेस की, और कल्पेश्वर में होती है जटाओं की। कल्पेश्वर में बहुत बड़ा एक पत्थर है, उनमें सारी जटाएं हुई हैं। थैंक यू, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बद्रीनाथ गाइज, फाइनली चंद्रशिला पीक पर हम पहुंच चुके हैं। तुंगनाथ से 45 मिनट्स और एक घंटे के अंदर आप पहुंच जाओगे, बट जो ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा स्टीफ है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। और अच्छा है यहाँ पे, देखिए ओवरऑल व्यू देख लो, बता दे व्यू 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 व्यू, व्यू देखिए, हिमालय की पहाड़ी है सारी की सारी, बता दे भाई। और ये देखिए गाइज, ये पूरी हिमालय की पहाड़ी है यहाँ से, इवन दो केदारनाथ की जो पहाड़ी है वो भी दिखती है। भी क्या बिकॉज ऑफ क्लाउड, वो जो बर्फ वाले पहाड़ हैं वो दिख नहीं रहे हैं, क्लाउड इतना ज़्यादा आ गया ऊपर। बट वी आर लकी कि हमें बाकी का तो सीनरी दिख रही है। एंड ये सब हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं। वाह, साला मैं, मेरा ना गोप्रो भूल गई गाय गाय में, हाँ सच्ची। और ये हमारा मंदिर है, प्यारा सा क्यूट सा, बहुत ज्यादा स्टीफ चढ़ाई थी ये, देखिए। एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा है, पूरी लगी पड़ी है, पैरों की वाट लग चुकी है यार। आना हो तो आ जाना, तैयारी के साथ आना। हाँ, तैयारी के साथ आना, फन बहुत सारा है यहाँ पर।
आपको व्यू बहुत सारे अच्छे अच्छे मिलेंगे, बहुत ही अच्छे, फोटो क्लिक भी अच्छी अच्छी हो जाएगी। सो गाइज, इस ट्रैक के सबसे ज़्यादा यंगेस्ट पर्सन से मैं आपको मिलाना चाहती हूँ, जिन्होंने केदारनाथ का ट्रैक भी बाय वॉकिंग किया एंड तुंगनाथ एंड चंद्रशिला ट्रैक भी उन्होंने बाय वॉकिंग किया। सो वो यहाँ पर है, ये हमारी दादी जी है। इन्होंने पूरी ट्रैक बाय वॉकिंग की है यार, हैट्स ऑफ इनको। सो दादी जी बताइए आपका एक्सपीरियंस कुछ। अरे बेटा कुछ नहीं, बस मालिक का नाम लेके चल देते। सो आप वॉक वगैरह करते हैं डेली, एक्सरसाइज वगैरह? कुछ नहीं। वाओ, आप ग्रेट हो दादी, रियली लव यू, रियली। सो ये हमारे दादी थे, ये हमारे, थैंक यू सो मच, ये हमारे, एक मिनट, हमारे दादी हैं जो हमारे ग्रुप के मेंबर हैं और सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है, बट मैं इन्हें सबसे यंगेस्ट पर्सन बोलूँगी बिकॉज यार इन्होंने अमेजिंग वर्क किया है। थैंक यू सो मच दादी। गाइस, चंद्रशिला की खासियत है कि यहाँ से त्रिशूल व्यू दिखता है, आपको दिख रहा होगा वहाँ पे त्रिशूल व्यू दिखता है, बट बिकॉज ऑफ बर्फ अभी वो बराबर नहीं दिख रहा है। देखिए यही त्रिशूल व्यू है। उतर रहे हैं गाइज, अभी हम नीचे उतर रहे हैं और देखिए रास्ता, देखिए ये रास्ता हमें उतरना है ध्यान से, और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो चलो धीरे धीरे उतरते हैं। एकदम स्टीप है, सीधी खड़ी चढ़ाई भी है और उतरना भी वैसे ही है, एकदम ध्यान से भी केयरफुल उतरते समय बहुत, क्योंकि स्लिपरी रास्ता है, पैर स्लिप हो जाएंगे अगर आपके शूज़ में ग्रिप नहीं है तो, एकदम आसानी से आप स्लिप हो सकते हो। ये है एक्चुअल ट्रैकिंग, ये उतरने हैं और पत्थर भी कभी भी स्लिप हो सकते हैं, तो ये हमें उतरना है। चलो उतरते हैं प्यार प्यार से। व्यू देख के ना, आपने जितनी मेहनत की होगी ट्रैकिंग में सब वसूल हो जाती है, इतना सुंदर ट्रैक है ये, लाइफ में एक बार तो ज़रूर करना चाहिए, इट्स माय सजेशन। और अभी नीचे उतरना कंटिन्यू है, वहाँ पे तुंगनाथ जी का मंदिर है वो वाला, वहाँ तक ट्रैक करना है। आधे मेंबर पहुँच चुके हैं और मैं जा रही हूँ धीरे धीरे, भाई हमसे ना हो पाएगा, हम तो धीरे धीरे ही करेंगे, है ना। चंद्रशिला ट्रैक कर ली और क्या बाकी है।
ये रास्ता है गाइस नीचे उतरने का, और यहीं से आप ऊपर भी जाते हो। गाइज अगर आप लोग यहाँ पे रहना चाहते हो तो यहाँ पे रूम्स वगैरह भी अवेलेबल्स हैं, तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। फैसिलिटीज़ है मतलब, बट हम तो नहीं रुके, हम तो निकल रहे हैं, तो नीचे जा रहे हैं डायरेक्टली। काफ़ी अच्छा प्लेस है यार। गाइज देखिए कितने अच्छे सुंदर सुंदर फ्लावर्स। बस अभी और 3 किलोमीटर चलना है डाउन। ये हमारे साथ है। गाइस सो फाइनली तुंगनाथ का ट्रैक भी ख़त्म कर लिया है, अभी एंड होने वाला ही है। आते समय मैंने नहीं लिया घोड़ा, बाय वॉकिंग ही आई हूँ। फाइनली तुंगनाथ का ट्रैक ओवर हो गया है। बेस विलेज में हम आ गए हैं चोपता। सो गाइज और यहाँ पे हमारी जो जर्नी है वो भी एंड होगी, और यहाँ से हम डायरेक्टली दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली से फिर अपने घर चोपता। जाते समय ये सारे शॉप्स एंड ऑल आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको खाना पीना जो भी करना हो आप कर सकते हो, और व्यू भी बहुत सुंदर सा आपको मिल जाएगा। बहुत ही ऑसम प्लेस है। ये हमारी कैंप साइट है, और अभी हम हमारे बैग कलेक्ट करने के लिए रिटर्न यहाँ पे आए हैं, और यहाँ से बैग कलेक्ट करके हम दिल्ली के लिए निकलेंगे, एंड देन फिर अपने अपने घर जाएंगे।